मैनपुरी शहर में बड़े हर्षोल्लास के साथ ब्राह्मण समाज के लोगों ने भगवान परशुराम जयंती के अवसर पर शोभा यात्रा का आयोजन किया। यह आयोजन मैनपुरी शहर के जाने माने समाज सेवी एवं शोभा यात्रा संयोजक कृष्णकांत मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा सुंदर सुंदर झलकिया के साथ भव्यता पूर्वक निकाली गई, जिसमें ब्राह्मण समाज के हजारों की संख्या में महिला व पुरुषों ने पहुंचकर शोभा यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह शोभा यात्रा का शुभारंभ मैनपुरी शहर के सचदेवा पेट्रोल पंप आगरा रोड से किया गया। वहीं पर राजनीतिक दलों ने भी शोभा यात्रा में पहुंचकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई और भगवान परशुराम की बनाई हुई आकृतियों का आशीर्वाद लिया। तो इस शोभा यात्रा में लगभग 25 मनमोहक झांकियां सजाई गई। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान आगरा रोड पर समापन किया गया। परशुराम शोभा यात्रा के संबंध में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों ने क्या कुछ कहा, देखिए यह रिपोर्ट। ये समाज का कार्यक्रम है और पूरा जिला इसमें जनसंख्या आई हुई है सारे गांव गांव से, और बड़ा ही धूमधाम से परशुराम भगवान की शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हमेशा ऐसे ही निकालते रहेंगे और सनातन धर्म को जिंदा करने का काम करेंगे। जितने भी विप्र बंधु और तमाम समाज के लोग जो इस शोभा यात्रा में उपस्थित जरूर आहुति देने पहुंचे, सभी को तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जो कि भगवान विष्णु के एकमात्र चिरंजीवी अवतार है, छठवें अवतार के रूप में जन्मे और आज भी पृथ्वी पर कहीं ना कहीं विचरण कर रहे हैं। वो हमारे इस उनके जन्मोत्सव में जो हम लोगों ने शोभा यात्रा आयोजित की है उसको वो देख भी रहे हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं, सबको संपन्नता वैभव यश कीर्ति देने वाले एकमात्र भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में तमाम लोग इसको इस जन्मोत्सव को बड़े ही भव्य तरीके से मना रहे हैं, त्योहार की तरीके से मना रहे हैं। हम देख सकते हैं जगह जगह बाबा के डोले का सत्कार किया जा रहा है, आरती हो रही है, पूजन किया जा रहा है और हम लोगों को चूंकि समाज ने जिम्मेदारी दी है तो पूरे ही मनोयोग से इसको निर्वहन करते हुए चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है और प्रशासन लगातार सवेरे से ही लगा है, आप देख सकते हैं कि साफ सफाई से लेकर के और तमाम चीजें हैं जो कि पुलिस प्रशासन ने अपनी देखी है। देखिए परशुराम यात्रा तो सदियों से निकलती रही है, भगवान परशुराम का आशीर्वाद तो ब्राह्मणों पे नहीं सभी जातियों पर लगातार निरंतर रहा है, लेकिन 2012 से जो शुरुआत मैनपुरी जनपद में हुई है और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि उस परशुराम जयंती की शुरुआत हमारे द्वारा, हमारे सारे साथी पूर्व संयोजक हमारे कई मौजूद है, वर्तमान संयोजक भी मौजूद है, बहुत शानदार यात्रा निकल रही है, दिव्य भव्य यात्रा निकल रही है और केवल मैनपुरी में नहीं, मैनपुरी इटावा पूरे प्रदेश में अन्य वर्षों की तुलना में 100 गुना उत्साह है, 100 गुना ऊर्जा है, उसके आधार पर कार्यक्रम निकल रहे हैं। हम बड़ा बड़ा दिल लेके हमारे परशुराम के जयंती के संयोजक हमारे छोटे भाई जय गिरजा शंकर के मिश्रा आलोक अग्नोत्री सभी पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं और आप ये उत्साह देख रहे हैं, ये उत्साह साल दर साल बढ़ता जाएगा। सनातन की रक्षा के लिए ब्राह्मण दृढ़ संकल्पित है और रहेगा। प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग चाहिए प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, हमें प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, वो अपना देखे, हम लोग अपने कार्यक्रम की शोभा यात्रा निकाल रहे हैं।
आज बड़ा शुभ दिन है, आज श्री भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा है और हम सबका ये बड़ा सौभाग्य है कि हम सभी मेरपुर जनपदवासियों को ये शोभा यात्रा को बड़े शानदार और भव्य तरीके से करने का अवसर मिला है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ मेरे ब्राह्मण सारे समाज के लोगों को सदबुद्धि और धैर्य प्रदान करे और हम सब में एकता और अखंडता बनी रहे। शोभा यात्रा का मेन उद्देश्य प्रमुख ये है कि हम सब ब्राह्मण समाज इकट्ठे होकर पूरे देश और प्रदेश में एकता का एक परचम लहराना चाहते हैं, इसलिए हम सारे लोग ये भव्य परशुराम जयंती का आयोजन करते हैं। आने वाली पीढ़ी के लिए क्या संदेश है? आने वाली पीढ़ी के लिए सनातन धर्म और संस्कृति और भगवान परशुराम को न भूले, इसलिए हम इस कार्यक्रम के माध्यम से सभी को संकेत देते हैं। शोभा यात्रा निकाली जा रही है पूरे नगर में, इनको घुमाया जा रहा है। सर, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था है? आज शहर में परशुराम शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली जा रही है, लगभग 25 साथियाँ हैं और लगभग ये 3 किलोमीटर दूरी तय करेगी जी। हर चौराहे पे हर नुक्कड़ पे जो है पुलिस व्यवस्था की गई है, जाती भी 7 पुलिस है और शादी डेढ़ पुलिस है, कुछ पुलिसकर्मी जो हमारे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी कर रहे हैं। इस शादी तरीके से कोई वार्षिक हमारी चिंता न करने पाए, कोई पत्र न हो